नवादे के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलतार गांव में 300 मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव के ही नहर से महिला और उनके दो बच्चों का शव बरामद हुआ है। मृतका की परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार है। फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मृतका की पहचान बेलधार गांव निवासी मनोज यादव की पत्नी ललिता देवी के रूप में की गई है। वहीं दोनों बच्चे ललिता देवी और मनोज यादव के बेटे थे। घटना तो सर यही है कि बहुत सब दिन पहले 10 बरस पहले से भी मामला है कि कभी इसको मनोज यादव ने नहीं सह के परिवार गुन के रखा है, नहीं सही से खाना दिया, कपड़ा दिया, टाइम पर नहीं दिया, मनोज लटक रोटी में ऐसी रखा। उसीलिए औरत की जात विरोध करती थी और विरोध के कारण जानबूझ के हत्या करके मारा है। गैर आदमी पस्टोला में जाकर पियागी करता था, पीने के बाद में भी कोई भी पति या पत्नी अपना पति का दबाव कर सकता है, दबाव करने के कारण ही मार के फेंक दिया, जान से हत्या किया। क्या मतलब उसको महिला से संबंध था इसलिए? हाँ, संबंध यही खाना पीना था, उससे टच था, लगता है टच ही था। कौन कौन महिला जानते किसे टच था ऐसा पता है? नाम का इसको हम नहीं जानते, लेकिन कहीं गैर से है इसका, इसी कारण हत्या। अपने से हत्या नहीं किए, वो हत्या कर दिया है। उसी का विरोध करती थी? हाँ, उसी का विरोध करती थी। खाने पीने का इसका मनु लापरवाह नहीं करता था कि हमारा परिवार है कि नहीं है, इसे खोज कभी नहीं करता था, ये विरोध करती थी। क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव हुआ नाम।